बहुत खुश है ना सब, जैसे खजाना हाथ लग गया। और वो मन्नो भाभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे नाहर सिंह से अच्छा रिश्ता दुनिया में है ही नहीं। मुझे ताने सुना रही खावे नहीं को। मैं भी देखती हूँ मन्नो भाभी आपकी इन बातों में मिर्ची जैसा तीखापन कब तक रहता है। इस घर में खुशियां तो आ गई लेकिन मेरी मर्जी के बगैर, और मैं उन्हें इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। हाँ कावेरी बेटा कैसी हो? बस पूछे मत। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर टेंशन किस बात की है? है? मैं तो ये सोच ही नहीं सकता हूँ कि मेरी बेटी का दिमाग काम न करे। बोलो क्या बात है? नाहर सिंह की फैमिली बहुत अकड़ रही है और साथ साथ इस घर के लोग भी। नाहर सिंह नहीं होगा कहीं का राजा हो गया और उस जैसा रईस इस दुनिया में ही ना हो। मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा डैड। अरे बेटा, इन छोटे लोगों में यही तो बुराई है कि एक दिन का मिला नहीं कि लगे उड़ने। नहीं फिकर मत करो, बताओ मुझे क्या करना है। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। एक तरफ नील जो मुझसे बेहद प्यार करता है और दूसरी तरफ नाहर और उनका परिवार कितनी इज्जत दे रहे हैं मुझे। फिर मम्मी पापा कितने खुश हैं इस रिश्ते से। ये कैसी उलझन है भगवान, आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। क्या करूं मैं? वंदे पद्मकराम प्रसन्न वदनाम सौभाग्यदाम भाग्यदाम हस्ताभ्याम भयप्रदाम मणिगणैर नानाविधैर भूषिताम भक्ताभीष्ट फलप्रदाम हरिहर ब्रह्मादिभिः सेविताम वंदे पंकज शंख पद्मनिधिभिः युक्ताम सदा शक्तिभिः। नमस्ते पुजारी जी। जीते रहो बेटा। चीनू नहीं दिखाई दे रहा? चीनू तो यहाँ पर नहीं है, वो तो घर पे है बेटा। चीनू घर पर है? उसने तो मुझे यहाँ मैंने बुलाया नहीं।